नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल अम्बी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कल तक जो लोग गोदी मीडिया कहते थे, नामचीन पत्रकार, खुद को अच्छा बताते थे, आज वो चीनी दलाल निकले। ये देश विरोधी एजेंडा चलाते थे और ऐसी खबरें बनाते थे, ऐसा नैरेटिव सेट करते थे जिससे कि चीन को फायदा हो। यहाँ तक कि आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात भी सामने आई है ऐसे पत्रकारों की, और पैसे के लालच में ये जयचंद बन गए। भारत का अन्न खा करके, भारत का खा करके चीन का गीत गाने वालों पर अब एक्शन शुरू हो गया है। जांच के नतीजे आने तक न जाने कितने चेहरे और बेनकाब होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी तक अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को खराब करने के लिए और भारत को बदनाम करने के लिए ठेका लिया हुआ था। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है अमेरिकी अरबपति का, नोविल राय सिंघम। ये वो सिंघम नहीं है, भारत की जो फिल्म बनी थी सिंघम, ये नोविल राय सिंघम है। दोनों हैं तो अमेरिकी, लेकिन सोरेस जहाँ अमेरिकी हितों के लिए काम करता है, वहीं सिंघम चीन के लिए काम करता है। ये दोनों ही इंटरनेशनल लेवल पर भारत के लिए रॉन्ग नैरेटिव गढ़ने की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए इन दोनों ने मीडिया को भी खरीद लिया है। नोविल सिंघम चीनी स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा था, और सिंघम के नेटवर्क की जांच से पता चलता है कि कैसे दुष्प्रचार के माध्यम से वो जो भारत के लिए मुख्य धारा की खबरें होती थी, उनको वो किस तरीके से प्रभावित करता था। और जो उसके समर्थक पत्रकार थे, किस तरीके से वो खबरों को चीन के समर्थन में टिल्ट करते थे, और उसने कई वीडियो भी बनवाए, यूट्यूब चैनलों के जरिए उनको काफी फायदा पहुंचाया और अपने फेवर में खबरें प्रसारित की। चीनी फंडिंग के आरोप में 3 अक्टूबर को भारत में न्यूज क्लिक के दफ्तर समेत इससे जुड़े हुए जो पत्रकार थे, उनके ठिकानों पर छापे मारे गए। इस समय न्यूज क्लिक का दफ्तर सील है। 2 पत्रकार इस समय हवालात में हैं। आज इसी पे बात करते हैं कि चीन को और अमेरिका को इतना खौफ है मोदी का कि उन्होंने भारत में जयचंद खरीद लिए। मेरे आज के मेहमान हैं कर्नल शांतनु रॉय, मैं उन्हें जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। आपका कर्नल शांतनु जी, बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी, जय हिंद। जय हिंद कर्नल शांतनु। मोदी जी का इतना खौफ है चीन और अमेरिका में कि उन्हें यहाँ की मीडिया में जयचंद भर्ती करने पड़ गए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गलत नैरेटिव सेट करें और उनके खिलाफ खबरें कहें, क्या कहते हैं आप? मैडम, ये जो न्यूज क्लिक का अरेस्ट हुआ है, उनका जो एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ और उसका जो एचआर हेड है अमित चक्रवर्ती, जी जी, खौफ तो है ही मोदी का। इसीलिए यूएस इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, एंड चाइना तो एंटी इंडिया है, उनको मोदी से चिढ़ तो है ही है। दैट इज व्हाई उन्होंने जी डिड नॉट अटेंड द G20 समिट व्हिच वाज सो सक्सेसफुली कंडक्टेड। या दूसरा, इंडिया अंडर दिस प्रेजेंट गवर्नमेंट इज गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। जैसे कि आपको पता है, इट इज द 5th इकोनॉमी एंड 2025 तक एम इज टू बिकम द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड यूएस एट प्रेजेंट, and maybe go ahead also because US economy is going down, Chinese economy is going up, plus
रीजनल सुपर पावर है, चाइना को इस चीज का खौफ भी है। अभी रिसेंट में जो इंडो पैसिफिक जितने भी कंट्रीज है उनके आर्मी चीफ्स का कॉन्क्लेव हुआ था जिसे आईपैक कहा गया है, तो जी, आर्मी जी. का भी मेल मिलाप हो रहा है जी, G20 ब्रिक्स इत्यादि में मोदी और इंडिया आई विल से हैज बिकम अ चैंपियन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। उनका मुद्दा है या मकसद है दैट सिर्फ ग्लोबल नॉर्थ जो कि डेवलप्ड कंट्रीज या नेटो कंट्रीज को इनकम्पास करता है, सिर्फ उन पे क्यों ध्यान दिया जाए। लेट अस कॉल द ग्लोबल साउथ जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका स्पेशली जिसमें बहुत डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको भी अपने साथ जोड़ा जाए। जैसे कि आपको पता है ब्रिक्स में 6 डेवलपिंग कंट्रीज ज्वाइन हुए हैं, G20 में भी ग्लोबल साउथ के 55 जो अमेरिकन यूनियन है, 55 कंट्रीज हैव बिकम नाउ पार्ट ऑफ द G20। सो इंडिया इज नाउ बिकमिंग द चैंपियन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें कुछ हद तक तो मैं कहूंगा यूएसए दोगलापन कर रहा है और चाइना तो खुलेआम हमको तंग कर रहा है, चाहे हो बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हो, मैप्स दे के हो, या नॉट अलाउइंग अस अ परमानेंट सीट इन द यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें ओनली चाइना इज द पर्सन हु इज अगेंस्ट अस जी। और ये जो प्रोपागंडा है ये न्यूज क्लिक तो एक छोटा सा क्या कहते हैं मुआयंदा है जो इसमें पूरे चैनल सिस्टम में काम कर रहा है, ये नेटवर्क में। इसके पीछे बहुत और भी लोगों का हाथ है जो धीरे धीरे सामने आएगा जी। न्यूज क्लिक पे तो इन्वेस्टिगेशंस 2018 में स्टार्ट हो गए थे, 2021 में ऑलरेडी सम प्रॉपर्टी ऑफ दिस मैन प्रवीण पुरकायस्थ का अटैच कर लिया था जिसमें कि फ्लैट्स थे, देन एफडीज एंड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 41 लाख। एंड 2018 से अब तक जब इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग एंड ईडी ने अभी केस दर्ज कर दिया है, इसमें मनी ट्रेल्स भी थे जो कि चाइना से होके थ्रू दिस मैन मिस्टर नेविल रॉय सिंगम जो कि श्रीलंकन एंड क्यूबन ओरिजिन के हैं, माता पिता इनके एक श्रीलंकन और एक जना क्यूबन है, ही इज अ अमेरिकन बिलियनर जो कि चाइनीज प्रेजेंटली मैं ये बता दूं ये शंघाई में है एंड इनका काम है प्रोपेगेंडा फॉर वेरियस चाइनीज मीडिया हाउसेस एंड ही वर्क्स थ्रू अमेरिका। और दो कह रहे हैं कि इट इज न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है जी, बट दिस मैन हैज बीन इन टच एंड फंडिंग न्यूज क्लिक सिंस क्वाइट सम टाइम। मनी ट्रेल कुछ पकड़े गए हैं, जैसे है 9.56 करोड़ जो न्यूज क्लिक को पे हुआ था थ्रू चाइनीज एजेंट्स, देन एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इसके लिए 76 करोड़ न्यूज क्लिक को पेमेंट हुआ है। और अभी जब इनका इंक्वायरी हुआ है तो दे हैव नॉट बीन एबल टू से दैट विच वाज दिस सर्विस विच वाज रेंडर्ड टू देम जी। और इसके लिए एज यूजुअल ओपोनेंट्स को तो मौका मिला है, ऑपोजिशन को, इन्होंने अपना चहचहाहट स्टार्ट कर ही दिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स है फ्रॉम जो बिहार में कास्ट का जो केस निकला है उसको
डिस्ट्रैक्शन के लिए किया है? जी जी, आपके स्पोक्समैन में कुछ और कहा है कि जस्ट बिकॉज बीजेपी अपना ऑटोक्रेटिक तरीके इस्तेमाल करना चाहता है इसलिए इन पे ये सब क्रिएट किए जा रहे हैं, और इनका यहां तक भी कहना है आपके जो स्पोक्सपर्सन कि चाइना को हम बॉर्डर पे नहीं लड़ पा रहे इसलिए हम ये तरीके निकाल रहे हैं। Exactly. अब सोचिए क्या सोच है इनका। जी, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू कर्नल शांतनु, आप भी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, मैं भी यही कर रही हूँ, मतलब कभी मुझे ये नहीं लगा कि हमको मतलब 1 करोड़ भी चाहिए और इनको 78 करोड़ रुपए लग जाता है, इतनी बड़ी रकम। नहीं, एंड देन 76 करोड़ स्टेटिंग फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, विच सर्विस इज अ मीडिया हाउस एक्सपोर्टिंग दैट इज वर्थ 76 crores, and what are they showing of their investigations? Because 76 crore कोई छोटा amount नहीं है. It's a very big amount. 76 crore में तो लोग business खड़ा कर लेते हैं, और ये तो just media house है जो investigations करना चाहते हैं. That means they are using this money for wrong purposes, for propaganda which are anti-national. That is why they have been charged under UPA, that is the Unlawful Prevention Act, which is an anti-terror. And why, if they are like other media houses, they should try to generate funds within the country? Obviously. Why is the money trail leading to America, and that too through a businessman who is right now in China and who has links with Chinese government or the Chinese media houses, which is very surprising. One more thing, Karnal Shantanu, Novel Singham जो है जो चीन के लिए भारत में मीडिया से प्रोपेगेंडा करवा रहा है, इसको यू नो अमेरिका तो सपोर्ट कर ही रहा था, ये सुना हमने, लेकिन ये भी समझ में आया कि पाकिस्तान भी इनके साथ मिला हुआ है। मैडम, ऑन दिस इशू आई विल प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान का कोई स्पाइनल कॉर्ड है नहीं, देयर इज नो बैकबोन एज सच, ये तो चीन के गुलाम हो चुके हैं और ये जैसे उसको नचाएंगे वो नाचेंगे। एंड ISI इज वन ऑफ द मोडस थ्रू विच पेमेंट्स आर डन, थ्रू विच मनी फ्लोज, चाहे हो चाइना से हो चाहे अमेरिका से हो, बिकॉज पाकिस्तान इटसेल्फ डजंट हैव एनी इकोनॉमी, देयर इकोनॉमी इज इन शैटर्स, द पीपल आर इन वेरी बैड शैम्बल्स, एंड दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ बींग डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट स्टेट, बट ये तो जस्ट चाइना एंड अमेरिका का हाथ उन पे है इसलिए वो बचे हुए हैं, उनका तालिबान से नहीं बनता है। इधर इंडिया में प्रॉक्सी वॉर चला रहे हैं, दे देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट दे हैव टू डू, देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय द आर्मी हु आर नॉट एबल टू टेक कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी, इनके पास अपना कोई ये नहीं, पाकिस्तानी रुपीज हैज गॉन डाउन, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू हियर दैट इवन इन द एशियन गेम दे हैव जस्ट गॉट 1 गोल्ड मेडल। तो ये तो हाल है उनका। जी जी, अच्छा दूसरी बात ये है, ये तो हम जानते हैं कि ये रॉन्ग नैरेटिव, मतलब गलत तरीके की देश विरोधी खबरें फैलाने के लिए ही इन्हें खरीदा गया है। जब देश में शाहीन बाग होता है, जब किसान आंदोलन होता है, तब ये किसानों की मांगों को जायज बताते हैं, शाहीन बाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी मांगों को ये जायज बताते हैं, और जो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं
उनको ये गोदी मीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं आप? ये देखिए मैडम, जिनका मीडिया हाउस चलता नहीं है, दे विल डू सच एंटी नेशनल एक्टिविटीज. वन इज बिकॉज दे हैव डोंट हैव देयर ओन स्टैंडिंग्स. अ गुड मीडिया चैनल और मीडिया हाउस विल ट्राई टू बी इम्पार्शियल. दो ठीक है, देर आर इशूज which have to be balanced out, but such people, for small money, they are ready to shell out, here I will not even say TRP rating, for their own vested interests. जी. They are ready to sell the nation, and that is what is happening here. Because ये आज नहीं, at least 5-6 साल पहले से चल रहा है, जब से News Click फाउंड हुआ है, एंड देन दिस मनी फ्लो हैज स्टार्टेड, एंड दैट इज हाउ इट हैज कम अप, एंड द एम ऑफ द होल थिंग हैज बीन रॉन्ग. इट हैज बीन एंटी नेशनल प्रोपागेंडा ओनली. आप उनका कोई भी इस पे जाइए, देयर इन्वेस्टिगेशंस आर नॉट इन फेवर ऑफ द कंट्री. मोरओवर, इनके अगर आप इनके साइट पर जाएं, आपने कभी इनके वीडियोस देखे हों, जिन yes. पत्रकारों को उस दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था, अगर आप उनकी बातें सुने, उनके वीडियोस देखें, तो वो अक्सर यही बताते हैं कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक है वो बुरे हाल में है. यही बात राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाके कहते हैं. वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है. लोकतंत्र तो ऐसा एक इन्होंने झुंझुना बना लिया है कि कहीं भी बजाने लग जाते हैं. इन्हें लोकतंत्र का को किस तरीके से डिफाइन करना है, दे डोंट नो. बस इनके आप देखिए जो ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो ये कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है. ये एजेंडा ये लेके चल रहे हैं, जो एब्सोल्युटली कहना चाहिए कि देश विरोधी एजेंडा ये चला रहे हैं. क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा दैट हम अपने घर का रोना दूसरे देशों में, व्हाई शुड दीज टॉपिक कि हमारे देश में डेमोक्रेसी नहीं है या द माइनॉरिटीज आर बीइंग पुट अंडर प्रेशर, ये चीजें हम अपने देश में या अपने घर के अंदर नहीं सॉर्ट आउट करके हम विदेश में हार्डवेयर के लिए. वन मोर थिंग जस्ट, मैं आपको इंटरप्ट करती हूं. कहीं भी अल्पसंख्यक जो है बुरे हाल में नहीं है, वो सारी सुविधाएं ले रहे हैं जो बहुसंख्यक है उनसे ज्यादा ले रहे हैं. वन सेकंड थिंग, मेरे तो कोई डाउट है ही नहीं. सेकंड थिंग, लोकतंत्र कहीं से भी कमजोर नहीं है. ऐसे ऐसे लोग जो है वो कोशिशें कर रहे हैं. कैरी ऑन. ये तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ये चीजें बाहर के देश में रोने का मतलब यही है कि हम अपने घर में जो नेता है या जो लीड कर रहे हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट, उसको आप मलिन कर रहे हो, सो दैट उसके अच्छे कामों को नकारा जाए, दूसरे देशों में उसको नीचे आंख से देखा जाए. दैट इज व्हाट इज द एम ऑफ द ऑपोजिशन. हमारे देश में ऑपोजिशन का यही मतलब है. ऑपोजिशन मतलब आप समझ जाइए. जी ऑब्वियसली, जो आप अच्छा करेंगे लाइक क्रैब्स और केकड़े, आप आगे जाना चाहे तो पीछे खींचेंगे. और पीछे भी कहां, हमारे देश में बोलने का उनमें क्षमता नहीं है, तो बाहर के देश के लेक्चर्स में जाके, चैनल्स में जाके स्टेटमेंट देते हैं. जी सो दैट हम नीचे हो. जी व्हाई, अगर है तो यहाँ के पार्लियामेंट में क्वेश्चन करें, यहाँ के संसद में क्वेश्चंस रेज करके पूछे. और नहीं, पार्लियामेंट में तो बोलने की तमीज ही नहीं है ना इन लोगों को. एंड देन सेकंडली, अगर लोकतंत्र वीक है कह रहे हैं या माइनॉरिटीज को दबाव में रखा जा रहा है, देन इंसिडेंट्स बताएं. जनरल स्टेटमेंट देने से तो नहीं होगा कि मैं कष्ट में हूं, कहां पे कष्ट में हूं, कैसे कष्ट में, वो बताए. वेरी ऑब्वियस.
इंसिडेंट्स नहीं दे पाते हैं. सो दैट इज वॉट वी आर ट्राइंग टू अनडू समथिंग विच इज हैपनिंग फॉर प्रोग्रेशन ऑफ आर कंट्री. इनका मकसद यही है. नहीं तो हमारे देश में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह पे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये सही में हुआ है, इसके पिक्चर दिखाइए. कोई मिलिट्री ऑपरेशन के पिक्चर्स मांगा जा सकता है? नो. रदर जो मून मिशन था उसके लेकर के भी इन लोगों ने कहा कि ये सब फर्जी बड़ा है. दुनिया ने देखा लाइव देखा, बिल्कुल लाइव देखा. जब उसका लैंडिंग होता है वो पल तक देखा. हम भारतीय हैं, हम लोगों ने उसे एंजॉय किया, लेकिन पूरे वर्ल्ड की आंखें उस पर लगी हुई थी, पूरी दुनिया देख रही थी. उसको भी इन्होंने कहा कि ये सब फर्जी बड़ा है. वी आर वेरी शॉर्ट साइटेडनेस. अगर ये फर्जी होता, आप कहना चाहते नासा जो उसको मॉनिटर कर रहा है वो पकड़ नहीं लेता? Obviously. ये सिर्फ अकेला इसरो तो मॉनिटर नहीं कर रहा था, इसको 110% नासा, चाइना के एजेंसीज एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो हु हैव द स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वेर मॉनिटरिंग इट. प्रज्ञान के हर स्टेप को मॉनिटर किया गया है थ्रू देयर ओन सैटेलाइट्स. जी. सो हाउ कैन यू से दैट इट इज फॉल्स? एंड एविडेंस चाहिए. कैसा एविडेंस? जी. तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिसको शक है कृपया मून पे जाके अपना देख के आ जाए. बिल्कुल सही बात है. सही कह रहे हैं. वन मोर थिंग, ये जो नैरेटिव बनाते हैं गलत इसी तरीके के बनाते हैं. ये मून की बात तो हमने इसलिए की क्योंकि अभी रिसेंटली चीन ने इसको कहा है. लेकिन जो हमारे घरेलू मुद्दे हैं, लाइक जैसे हमने अभी अल्पसंख्यकों की बात की, शाहीन बाग की बात की और किसान आंदोलन की बात की, ये सब ऐसे सेंसिटिव मुद्दे हैं जिससे मतलब गलत तरीके से अगर पेश किया जाए, खबरों में तोड़ मड़ोड़ के इसको पेश किया जाए जो इन्होंने किया, जो न्यूज़ क्लिक और ऐसी ही विचारधारा रखने वाले जयचंदों ने किया, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है. और आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने भी लंबे समय से आप ये सब चीज़ें देख रहे हैं, क्या इतनी गिरी हुई हरकत भी आपने कभी देखी लाइफ में जो अब आप देख रहे हैं, इतना गिरा हुआ स्तर? इस टाइप का हरकत तो मैंने देखा नहीं है. सेकेंडली, अभी मैं एक चीज यहाँ पे, जब आपने किसान आंदोलन का बात किया, अगर कोई इसको ठीक से पढ़ता, इसमें जो कानून पास होने वाला था फॉर द फार्मर्स, इसमें किसानों का बेनिफिट था. ये गलत तरीके से किसानों को समझाया गया, गवर्नमेंट हैड टू रोल बैक ऑन इट्स बिल और ऑर्डर, जो कि बहुत ही भारी दिल लेके इसको गवर्नमेंट ने वापस ले लिया है. और उसके बाद किसानों को पता चला कि यस, अगर वो कानून जारी हो जाता, इससे क्या है, किसान डायरेक्टली उससे बेनिफिट पाते, मिडिल मैन निकल जाता, रेट्स जो बाजार में आते वो करेक्ट आते. अभी क्या है, ये जो टमाटर का ये रेट्स इतने हाई हो गए थे, 300 रुपए 400 रुपए के जी, अभी गिर के 300 रुपए पे आ गया है. अभी इतना टमाटर बाजार में आ गया है कि वेस्ट हो रहा है. व्हाई? बिकॉज मिडलमैन स्टॉक कर रहा था इसको. जी जी. अगर ये फार्म लॉज अप्लाई हो जाते तो ये मिडलमैन स्टॉक नहीं कर पाता, डायरेक्ट कस्टमर एंड फार्मर वुड बी द स्टेक होल्डर्स. बट ये लोगों को समझा नहीं, लोगों को गलत तरीके से समझाया गया, उनसे आंदोलन करवाया गया, रास्ते ब्लॉक कराए गए, गवर्नमेंट हैड टू टेक इट बैक. सो यही तरीके से गलत पब्लिसिटी. इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो मीडिया हाउसेस है शुड गिव द करेक्ट अनबायस्ड जजमेंट्स सो दैट पीपल बेनिफिट, सिस्टम बेनिफिट्स, द कंट्री बेनिफिट्स. अभी जैसे आपको पता है, इनके पक्ष में कुछ
मीडिया हाउसेस हैं लाइक डीजी न्यूज, इंडिया फाउंडेशन, इंडिया वुमेन्स प्रेस क्लब, मुंबई प्रेस क्लब एंड और भी है। 16 लोगों ने एक चिट्ठी दिया है टू दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की उनका लैपटॉप फोन्स वगैरह बेकानूनी वे से ईडी ने ये कर लिया क्योंकि उसमें पर्सनल मटेरियल भी रहता है, इसीलिए दे शुड बी नॉट टेकन इनटू कस्टडी और अरेस्ट हैज बीन वेरी अनलॉफुल बिकॉज दे वर इन्वेस्टिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज। अब मेरा एक कहने का, अगर आप नेशनल इशू इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं फॉर जर्नलिज्म तो आप चाइना में क्यों कॉल कर रहे हैं, फोन कॉल्स ट्रेस हुए हैं। अगर यहां मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं और इस केस के लिए मैं चाइना या अमेरिका क्यों कॉल करूंगा, वेरी ऑब्वियस। सो दिस इज व्हाई दिस मीडिया हाउसेस और आई विल से दिस कंपनी हैज बीन सोल्ड। नीति मनी ट्रेल्स कहां से आ रहे हैं, ये नकली तो है नहीं जी जी, और ये आज नहीं, ये 3-5 साल से ऑलरेडी इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है बाय द ईडी एंड द ईओडब्ल्यू। जी जी कर्नल शांतु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैडम जय हिंद, गुड नाइट।